Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार भारतीय शासन और राजनीति के विविध विषयों पर जो हम एक चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं उसमें आज हम चुनाव आयोग और चुनाव सुधार के बारे में बात करेंगे जब हम अपने देश के लोकतंत्र की बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं तो उन सब की बुनियाद में जो चीज़ है वह है चुनाव चुनावों का संचालन और हमारे देश में जिस सीमा तक जनसंख्या है जितने ज़्यादा मतदाता हैं उसके लिहाज से चुनावों का संचालन अपने आप में एक जटिल काम है मतदाताओं का पंजीकरण करना इस तरीके से करना कि कोई मतदाता छूट ना जाए कोई गलत मतदाता मतदाता सूची में ना आ जाए इस बात का ध्यान रखना कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सभी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया जाए इस बात का ध्यान रखना कि चुनाव की मतगणना के समय कोई हेरफेर ना हो एक एक वोट को ईमानदारी से सही तरीके से देखा जाए उसकी गणना की जाए और भी बहुत सारी प्रक्रियाएँ ये सारी जो प्रक्रियाएँ चुनाव से जुड़ी हुई हैं वह लोकतंत्र के लिए एक आधार का काम करती हैं इनके बगैर हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं और ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी तादाद में मतदाता हो गए हैं जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ हमारे देश में उन्नीस में तब भी मतदाताओं की संख्या काफ़ी थी और उन्हें सही तरीके से चीज़ों को तैयार करना आ, और सबको मतदान का अधिकार देना और उन सबको एक ऐसा अवसर देना जिससे कि वे चुनाव में भागीदारी कर सकें एक चुनौतीपूर्ण काम था यहाँ तक कि कई दुरस्त क्षेत्रों में बहुत थोड़े मतदाताओं के लिए भी मतदान केंद्र बनाए गए थे पहले चुनाव के समय तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो चुनाव कराने का जो काम है वह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दुष्कर कार्य है चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो इस तरीके का काम कराने का दायित्व निभाती है और चुनाव आयोग की जो पूरी संरचना है उसको समझना भारतीय लोकतंत्र कि जो संस्था का जो संस्थात्मक स्वरूप है उसको समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके साथ ही चुनाव सुधारों का मुद्दा भी है चुनाव सुधार का मुद्दा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे जैसे लोकतंत्र आगे बढ़ा लोकतंत्र का विकास हुआ वैसे वैसे अलग तरह की चुनौतियाँ उभर कर सामने आईं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई अलग तरीके के प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस की गई अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काफ़ी गहराई से विचार करने और काम करने की आवश्यकता है तो आज की इस पूरी प्रस्तुतिकरण में हमारी ये कोशिश होगी कि हम चुनाव आयोग किसके से के शक्तियों उसकी संगठनात्मक संरचना उसके काम और उसकी चुनौतियों के बारे में गहराई से विचार करें जिसमें चुनाव सुधार का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आएगा आज की जो हमारी पूरी परिचर्चा होगी उसमें हम सबसे पहले चुनाव आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देंगे उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात करेंगे क्योंकि चुनाव आयोग का जो की जो शक्तियां हैं उसका जो कार्य है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से भी आता है और उसके बाद हम चुनाव आयोग की संगठनात्मक संरचना के बारे में आ, चर्चा करेंगे और फिर हम यह देखेंगे कि, कि किस तरीके से नियंत्रण के काम का विस्तार हुआ है यानी कि चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव के दौरान काम करता है और अलग अलग तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है उस काम का कैसे विस्तार हुआ है सामाजिक और राजनीतिक दबावों ने उसमें किस तरीके की भूमिका निभाई है कार्यपालिका से किस तरीके का टकराव चुनाव आयोग को हुआ है और इस संदर्भ में एक विशेष परिघटना जिसे कि सेशन इफेक्ट या शेषण प्रभाव के रूप में जाना जाता है वह क्या है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे और चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी हम बात करेंगे जो उसने चुनाव को बेहतर बनाने के लिए किया है और इसके बाद हम चुनाव संचालन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो पूरी अवधारणा है उसकी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे निर्वाचन आयोग की सीमाओं को देखेंगे और इसी संदर्भ में हम ऐसे कई मुद्दों की चर्चा करेंगे जो कि चुनावी प्रक्रिया को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं और आखिर में हम निष्कर्ष के रूप में कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो उसमें आ, हमें यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि औपनिवेशिक दौर में अलग से चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था नहीं थी लेकिन संविधान निर्माताओं ने चुनाव को सही तरीके से संचालित करने के लिए एक ऐसे संस्था की आवश्यकता को महसूस किया और उसके लिए आ, चुनाव आयोग की स्थापना की और संविधान में जो चुनाव आयोग की शक्तियाँ हैं उनके बारे में अनुच्छेद तीन में बताया गया है अनुच्छेद तीन के अनुसार चुनाव आयोग राष्ट्रीय संसद राज्य विधानसभाओं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनावी मतदाता सूची तैयार करने का काम करेगा केंद्रीय चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के लिए चुनाव नहीं करवाता है इसके लिए हर राज्य में अलग से निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग इसे कहा जाता है तो जो स्थानीय स्तर के यानी कि पंचायती और नगर के जो चुनाव होते हैं उसे कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग का नहीं है लेकिन विधानसभाओं का लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग के पास है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास और हम यहाँ पर मुख्य रूप से केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग आ, में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होने की बात कही गई है लेकिन यह भी कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है गिल मार्टिन और मोक जो दो विचारक हैं जिन्होंने काफ़ी गहरा काम किया है भारतीय निर्वाचन आयोग पर उनका यह कहना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन आयोग को एक केंद्रीकृत संस्था के रूप में रखा क्योंकि उन्हें यह लगता था उन्हें यह संदेह था कि स्थानीय स्तर की संकुचित पहचानें इसके काम में बाधित इसके काम में बाधा पैदा कर सकती हैं यानी कि जो सामंती प्रवृत्तियां हो सकती हैं या प्रभुत्वशाली तबके हो तक हो सकते हैं वो अगर स्थानीय स्तर पर इस संगठन को दिया जाए तो वो उसमें घुसपैठ करके कर उसको प्रभावित कर सकते हैं लेकिन अगर कोई केंद्रीकृत संस्था है तो उसको प्रभावित करना स्थानीय संकुचित तत्वों के लिए उतना आसान नहीं होगा और यही सोच कर यह प्रावधान किया गया कि निर्वाचन आयोग एक केंद्रीकृत संस्था होगी संविधान के अनुच्छेद 325 में यह कहा गया है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा लेकिन उसे इस संदर्भ में यह ध्यान रखना होगा कि कानून के अंतर्गत वह समानता की सुरक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि, कि किसी के साथ धर्म नस्ल जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो तो यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई है कि जो संविधान के मूल्य हैं जिसमें एक तरह के के की समानता की स्थापना की गई है नागरिकों के बीच में तो वह उनका अनुपालन करते हुए मतदाता सूची तैयार करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई व्यक्ति अपने धर्म या जाति के कारण मतदाता सूची से बाहर ना छूट जाए अनुच्छेद 326 में यह कहा गया है कि जितने भी वयस्क लोग होंगे उन सभी को मताधिकार प्राप्त होगा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त होगा 1988 में इकसठवें संविधान संशोधन से जो मतदान की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और इससे ऊपर जितने भी लोग हैं उनका नाम मतदाता सूची में आए यह सुनिश्चित करने का काम निर्वाचन आयोग का है अनुच्छेद तीन और तीन में यह प्रावधान किया गया है कि आयोग को राष्ट्रीय संसद के साथ साथ राज्य विधानसभा के चुनावों के लिए नियम तैयार करने की शक्ति है यानी कि अगर यह चाहे तो संसद और विधानसभा के चुनावों के संदर्भ में कुछ विशेष तरीके के प्रावधान बना सकता है अनुच्छेद तीन में यह कहा गया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान न्यायपालिका को इसमें दखल देने की कोई शक्ति नहीं है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है और एक तरीके से एक अपवाद की स्थिति चुनाव आयोग को मिल जाती है उस दौर में जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस पूरी प्रक्रिया में आ, उसके बाद कोई न्यायालय का दरवाज़ा जरूर खटखटा सकता है लेकिन उस पूरी प्रक्रिया के चलने के दौरान कोई भी आ, व्यक्ति न्यायालय के शरण में नहीं जा सकता है तो इस पूरी अवधि में जब चुनाव हो रहा होता है उस समय आ, जो चुनाव आयोग होता है वो एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में काम करता है और उसकी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं निर्वाचन आयोग की जो पूरी शक्ति है जिसके लिए हम कई बार चुनाव आयोग शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो निर्वाचन आयोग की पूरी शक्ति है उसको संविधान के इन प्रावधानों के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से भी काफ़ी मदद मिलती है या उसके शक्ति का स्रोत वो होता है उन्नीस में संविधान को अपनाने के तुरंत बाद पहले आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए संसद ने दो कानून पारित किए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट उन्नीस इन कानूनों में चुनावी प्रक्रिया की छोटी बड़ी बातों को ज़्यादा विस्तार से बताया गया जो 1950 का कानून था उसमें मतदाता सूची का निर्माण करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया यह कहा गया कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा रेखा किस तरीके से तय होगी लेकिन यह जो काम है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा रेखा को तय करने का काम वह चुनाव आयोग का काम नहीं है इसके लिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद इक्यासी के तहत कि संसद एक स्वतंत्र निकाय या स्वतंत्र संस्था की स्थापना करेगी और उसके द्वारा यह काम किया जाएगा 1950 के कानून में ही मतदाताओं की योग्यता या अर्हता के बारे में भी बताया गया है उन्नीस का कानून भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें चुनाव प्रशासन के संबंध में चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में बताया गया है उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने के बारे में चुनाव आयोग की शक्तियों को बताया गया है दलों का नियमन किस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा हो सकता है इसके बारे में बताया गया है अभियान प्रक्रिया के संचालन के बारे में चुनाव आयोग को शक्तियाँ दी गई हैं और यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद नागरिक कैसे न्यायपालिका में याचिका दायर कर सकते हैं अब ये इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं लेकिन जो एक पहलू है दलों का नियमन वह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक दल को चुनाव आयोग से ही मान्यता प्राप्त होती है और चुनाव आयोग ही यह तय करता है कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल के दर्जे में आएगा और कौन सा दल क्षेत्रीय दल के दर्जे में आएगा और उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है जिसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से उस समय चर्चा करेंगे जब हम दलों के बारे में और दलीय राजनीति के बारे में विचार करेंगे लेकिन यहाँ पर जो हमारे काम की चीज़ है वह यह कि किसी भी दल के को मान्यता देने का काम चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और आ, बाद में आ, ये जो पूरी स्थिति है उसमें जो चुनाव आयोग को बाद में यह शक्ति भी मिली कि वह दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करे और इस लिहाज से जो पूरा दलीय ढांचा है उसको तय करने में उसका नियमन करने में चुनाव आयोग की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है अब हम चुनाव आयोग की संगठनात्मक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे अनुच्छेद तीन में यह प्रावधान है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही है अर्थात दोनों सदनों के द्वारा दो तिहाई बहुमत से ही इसे हटाया जा हटाया जा सकता है इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से चुनाव में सहायता के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करें उन्नीस में लेकिन ये क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति का जो पूरा प्रावधान है उसका कभी व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ उन्नीस में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की व्यवस्था की गई है और ये दोनों ही आम सहमति या बहुमत से निर्णय लेते हैं ये जो पूरा प्रोसेस है उन्नीस में जो शुरू किया गया या जो पूरी पूरी जो बदलाव की प्रक्रिया है उसके बारे में हम थोड़े विस्तार में उस समय चर्चा करेंगे जब हम टी सेशन के प्रभावों की बात करेंगे लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ यह समझने की ज़रूरत है कि उन्नीस में कुछ खास तरह की परिस्थितियाँ बनी और उन परिस्थितियों में दो अन्य मुख्य निर्वा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और यह कहा गया कि सबकी शक्ति बराबर होगी और ये बहुमत से फैसला करेंगे बाद में उन्नीस में न्यायालय ने भी इस पूरी स्थिति को स्वीकार किया और ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं वे ऐसे कोई नियम नहीं है लिखित पर आमतौर पर वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं और अब यह एक परंपरा के रूप में चीज़ स्थापित हो चुकी है कि भारतीय परम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं आ, ये छः वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं या फिर पैंसठ वर्ष की उम्र में जो भी पहले आए वे इस पद पर रहते हैं आ, और जैसे मैंने पहले कहा कि क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान में तो किया गया है लेकिन सिर्फ पहले आम चुनाव के पहले ही के समय ही ऐसा किया गया अब इसके स्थान पर क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों के स्थान पर राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है और ये जो राज्य स्तर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं ये उन राज्यों के आई या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं जिन राज्यों में इन्हें नियुक्त किया किया जाता है मसलन अगर बिहार में किसी अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करना है तो वो उसी कैडर का कोई आई ऑफिसर होता है इस तरीके से अन्य राज्यों में भी व्यवस्था की जाती है और आम तौर पर इन्हें संबंधित राज्यों से विचार विमर्श करके ही नियुक्त किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट निर्वाचन आयोग को इन अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखने और उन्हें निर्देश देने का अधिकार देता है यानी कि केंद्रीकृत रूप से निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों के काम काज को देख सकता है और अगर ये सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो इन्हें बदल भी सकता है और निर्वाचन आयोग को जो का जो बजट होता है वो भारत के संचित निधि से नहीं आता है बल्कि हर साल बजट में इसके लिए राशि आवंटित की जाती है और आमतौर पर यह राशि इस अंदाजा के साथ की जाती है कि उस खास वित्तीय वर्ष में कितने चुनाव होने वाले हैं और आमतौर पर निर्वाचन आयोग का कितना खर्च आएगा कई तो निर्वाचन आयुक्तों की यह मांग रही है कि भारत की संचित निधि या जो कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है उससे इसके लिए एक बजट तय कर दिया जाए लेकिन आ, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और हर वर्ष संसद द्वारा इसके लिए राशि आवंटित की जाती है जमीनी स्तर पर निर्वाचन आयोग चुनाव के समय राज्य के प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपना काम आ, चलाता है इन्हें अपने काम में लगाता है और इसकी संरचना इस प्रकार होती है अगर हम फिर से एक पूरी संरचना पर नज़र डालें तो सबसे पहले सबसे ऊपरी स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य दो निर्वाचन आयुक्त हैं इसके बाद राज्यों में छत्तीस राज्य स्तरीय निर्वाचन आयुक्त होते हैं छत्तीस और इन्हें जो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जाना जाता है छः जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या डीईओ होते हैं और यही रिटर्निंग ऑफिसर का भी काम करते हैं इसके बाद मतदाता मंडल निर्वाचन अधिकारी यानी इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ई होता है और यह मतदाता का पंजीकरण करने का काम करता है आमतौर पर यह सरकारी कर्मचारी होते हैं और इनका काम मतदाता सूची पंजीकरण और संशोधन की प्रक्रिया पर नज़र रखना होता है कुल 4,120 राज्य विधानसभा क्षेत्रों में और पाँच राष्ट्रीय संसदीय क्षेत्रों में इनकी मौजूदगी होती है और सबसे निचले स्तर पर बूथ स्तरीय कर्मचारी होते हैं जो बूथ स्तर का काम देखते हैं और ये भी सरकारी कर्मचारी होते हैं चुनावों के समय ये नियुक्त होते हैं तो जो इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है उसका काम ज़्यादा गंभीर होता है क्योंकि उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि हर किसी योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में आए और जो योग्य नहीं है या फर्जी तरीके से या गलत तरीके से मतदाता सूची में आ गए हैं उनके नाम को उससे बाहर किया जाए तो ये पूरी एक संरचना होती है और इस संरचना में जो निर्वाचन आयोग है उसकी पास अपने अधिकारियों के नाम पर जो कि पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग का काम करते हैं कोई बड़ी फौज नहीं होती है बहुत ही छोटी क्षमता वाले एक ऑफिस होते हैं और अधिकांश जो इसके कर्मचारी होते हैं वो चुनावों के समय इससे जुड़ते हैं कुछ जो कर्मचारी होते हैं वो मतदाता सूची के पंजीकरण के लिए नियुक्त होते हैं और उसमें एक तरह का अस्थायित्व तो होता है आ, और जो केंद्रीय स्तर पर आ, दिल्ली में जो उसका ऑफिस है उसमें भी तकरीबन तीन सौ से चार सौ तक कर्मचारी काम करते हैं और पूरे व्यवस्था को देखने और संचालित करने की कोशिश करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग का संगठनात्मक ढांचा है वह काफ़ी हद तक राज्यों की ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर है और उसी ब्यूरोक्रेसी से अधिकारियों को लेकर कर्मचारियों को लेकर चुनाव का काम संचालित किया जाता है और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसे ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम आगे यह देखेंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने यह विधि अपनाई है कि आमतौर पर वह अधिकारियों का या कर्मचारियों का ट्रांसफर कर देता है जिससे कि मतदान की पूरी प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी हो सके और एक अधिकारी जो बहुत समय से एक स्थान पर है अगर वह दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसके द्वारा मतदान को प्रभावित करने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है चुनावी प्रक्रिया को सही तरीके से संचालित करने के लिए चुनाव आयोग दो प्रकार के पर्यवेक्षकों को नियुक्त करता है एक सामान्य पर्यवेक्षक होते हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से होते हैं और दूसरे खर्च पर्यवेक्षक होते हैं जो भारतीय राजस्व सेवा से होते हैं सामान्य पर्यवेक्षकों का काम आमतौर पर यह देखना होता है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो सभी उम्मीदवार हैं वे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का चुनाव आचार संहिता का पालन कर रहे हैं नहीं और चुनाव आचार संहिता के स्वरूप के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे वे आ, सही तरीके से इन चीज़ों का पालन करें यह देखने का काम सामान्य पर्यवेक्षक का है और खर्च पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी उम्मीदवार निर्धारित सीमा से ज़्यादा राशि खर्च ना करे और अगर वो ज़्यादा राशि खर्च करता है तो उसके ऊपर फिर निर्वाचन आयोग कार्रवाई करने का काम करता है नियंत्रण के काम का निर्वाचन आयोग का काफ़ी विस्तार हुआ है अगर हम आरंभिक दौर से लेके वर्तमान दौर की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे और निर्वाचन आयोग की संस्था उसने उस समय अपना काम शुरू किया पहला निर्वाचन हुआ तो आ, पहला चुनाव हुआ आम चुनाव तो उस समय निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था नहीं मानी जाती थी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग आम तौर पर जानते थे निश्चित रूप से जो संस्थाओं का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी थे वो निर्वाचन आयोग के बारे में जानते थे लेकिन एक ऐसी संस्था नहीं थी जिसकी लोगों की रोज़ रोज की जिंदगी में चर्चा होती हो आ, लेकिन अधिकांश विद्वान यह चीज़ मानते हैं कि जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही निर्वाचन आयोग के काम की बेहतर आधारशिला रखी गई क्योंकि आ, वो पहला ऐसा अनुभव था जब इतने बड़े पैमाने पर चुनावों को संचालित किया जा रहा था जब यह सुनिश्चित करना था कि देश के तमाम वयस्क लोगों का नाम मताधिकार सूची में हो मतदाता सूची में हो और जो जितने सारे क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों तक आ, सभी लोगों को मतदान करने की सुविधा पहुंचे, तो एक बहुत बड़ा काम था और सुकुमार सेन के कुशल नेतृत्व में एक ऐसी आधारशिला तैयार की गई जिस पर आगे निर्वाचन आयोग को या निर्वाचन आयुक्तों को काम करना ज़्यादा आसान हुआ तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो स्थापित हुई और बाद के चुनाव में इसे और ज़्यादा मजबूती मिलती गई लेकिन उन्नीस के चुनाव के बाद चुनाव आयोग को कई बार मुश्किल और अत्यंत विवादास्पद स्थितियों का सामना करना पड़ा इस संदर्भ में चुनाव आयोग का अध्ययन करने वाले दो विद्वान ई श्रीधरन और मिलान वैष्णव यह तर्क देते हैं कि आपातकाल के बाद चुनाव आयोग ने ज़्यादा खुलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया और निर्वाचन आयोग की बढ़ती भूमिका के संदर्भ में कई कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की सामाजिक और राजनीतिक दबाव इस एक ऐसा ही प्रमुख कारण था अब इस संदर्भ में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो निर्वाचन आयोग का काम था वह काफ़ी बढ़ा क्योंकि दलों और उम्मीदवारों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई जैसे जैसे लोकतंत्र ने अपनी जड़ें हिंदुस्तान के जमीन में जमानी शुरू की वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने लगे और इसी का नतीजा निकला कि बड़े पैमाने पर अलग अलग तरीके के राजनीतिक दल सामने आए और उम्मीदवारों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई मैं दो छोटे आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिससे आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि किस सीमा तक दलों और उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई अब अगर हम उन्नीस के पहले आम चुनाव पर विचार करते हैं तो इन आम चुनावों में कुल पचपन राजनीतिक दलों ने चुनाव में भागीदारी की थी चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया था 2014 के चुनावों में कुल चार दलों ने चुनावों में भागीदारी की तो हम ये देख सकते हैं कि आ, काफी ज्यादा वृद्धि राजनीतिक दलों में हो गई अब इन दलों के चुनाव चिन्हों को पर नजर रखना इन दलों के घोषणा पत्रों को देखना इन दलों की मान्यता की स्थिति को देखना ये सारे जो काम हैं वो चुनाव आयोग के काम में शामिल हुए जिसके कारण से निश्चित रूप से उसकी चुनौतियाँ बढ़ी और अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो उन्नीस में कुल एक उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे वहीं 2014 में उन इन उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर आठ हो गई तो इसमें भी आठ गुना कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा वृद्धि इसमें भी दर्ज हुई कुल मिला हम कह सकते हैं कि अगर तकरीबन दो हज़ार से ये आठ हज़ार की संख्या में उम्मीदवार पहुंच जाते हैं तो और इससे भी निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के काम में वृद्धि हुई उसकी चुनौतियां बढ़ीं मतदाताओं की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई उन्नीस में एक मिलियन मतदाता थे और उन्नीस में इनकी संख्या बढ़कर चार मिलियन हो गई तथा तो 2014 में इनकी संख्या बढ़कर आठ मिलियन हो गई तो आ, ये अपने आप में भी एक आ, आ, बहुत बड़ी चुनौती का काम है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं की लिए सारी व्यवस्था की जाए उनके नाम को सही तरीके से मतदाता सूची में डाला जाए उनके लिए बाद के दौर में पहचान पत्र को जारी किया जाए उनके लिए मतदान की सही व्यवस्था की जाए तो ये सारा जो काम था ये सारी जो चुनौती थी वो काफ़ी बड़ी संख्या में समय बढ़ने के साथ बढ़ी क्रिस्टोफ जेफ्रेलॉ ने उत्तर भारत में पिछड़े जातियों की उभार का वर्णन के लिए साइलेंट रेवोल्यूशन या खामोश क्रांति शब्द का प्रयोग किया है इसका मुख्य मतलब यही है क्रिस्टोफ ऑफ जेफ्रेलॉ का जो तर्क है वह यह है विशेष रूप से वो उत्तर भारत के कुछ राज्यों के विधानसभाओं का अध्ययन करते हैं और इसका साफ तौर पर प्रभाव लोकसभा में भी दिखता है कि जो चुनाव लोकतंत्र की प्रक्रिया थी जिसके कारण से जो दल हाशिए पर थे वो धीरे 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 करके सक्रिय होने लगे तो इस चुनाव की प्रक्रिया ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसके कारण से ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो अब चुनाव में भागीदारी करने लगे विभिन्न समूहों से उम्मीदवार उभर कर सामने आने लगे और इसके कारण से बहुत हाशिए के पड़े हुए समूह राजनीति की मुख्य धारा में आ गए अब इन समूहों के मतदान अधिकारों Uh, को सुरक्षित रखना और इनके इनकी आवाज़ को सामने आते रहने देना भी चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती थी वो किस तरीके से वो इस तरह से कि अगर हम उत्तर भारत के या हिंदुस्तान के किसी भी भाग में गांवों की कल्पना करें तो आम तौर पर जो पिछड़ी जातियों के या हासी पर पड़े समूहों के मतदाता होते हैं उन्हें प्रभुत्वशाली जातियों से खतरा होता है तो अगर एक बार जब उन्होंने अपने खुलकर आवाज़ उठाने शुरू कर दी तो इससे भी ग्रामीण स्तर पर एक संघर्ष की स्थिति बनी और इस स्थिति में चुनाव पारदर्शी तरीके से हो सही तरीके से हो और प्रभुत्वशाली समूह पिछड़े समूहों को दलित समूहों को दबा ना सकें उनके मताधिकार को छीन ना सकें यह सुनिश्चित करना भी चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती थी और चुनाव आयोग ने इस चुनौती का सामना करने का बखूबी प्रयास किया और इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण असल में हम यह कह सकते हैं यानी कि पिछड़ी जातियों के हाशिए पर पड़े समूहों के मताधिकार के अपने अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की प्रवृत्ति के कारण 1970 के दशक में बूथ कैप्चरिंग की परिघटना काफ़ी तेज़ी से उभर कर सामने आई बूथ कैप्चरिंग का अर्थ क्या होता था कि अगर एक ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी एक जगह बूथ स्थापित किया गया है जहां आकर लोग अपना मतदान कर सकते हैं वहाँ पर कोई प्रभुत्वशाली समूह आता है और वो यह कहता है कि बाकी सारे लोग जो यहाँ हैं उन्हें वोट डालने की जरूरत नहीं है उनका वोट डाल दिया जाएगा और वहाँ पर कुछ लोग बैठ के सभी लोगों का वोट डाल देते हैं तो यह कहा जाता था इस पूरी परिघटना को कि बूथ कैप्चरिंग हो गई और इसकी बुनियाद में यही चीज़ थी कि जो हाशिए पर पड़े हुए समूह हैं जो गरीब तबके हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर पाए धीरे धीरे एक और परिघटना बढ़ी और वह राजनीति के अपराधीकरण की जिसके कारण से जो तब के अपराध जगत में सक्रिय थे उन्हें यह महसूस हुआ कि वे राजनीति में जाकर अपने लिए स्थिति और बेहतर कर सकते हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव में भागीदारी करनी शुरू की और इसके साथ ही चुनाव में काले धन का प्रभुत्व भी, भी बढ़ा यानी कि ऐसे ऐसे पैसे का प्रभुत्व जिसका कि कोई आ, अकाउंट नहीं था कोई उसका लेखा जोखा नहीं था जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा था तो ऐसे पैसे का भी प्रभुत्व बढ़ा ये सभी अभी भी काफ़ी हद तक निर्वाचन आयोग की चुनौतियों में सम्मिलित हैं जिसके बारे में आगे हम एक अलग परिप्रेक्ष्य से विचार करेंगे कि कैसे चुनाव सुधारों के माध्यम से इन्हें बेहतर किया जा सकता है लेकिन जब निर्वाचन आयोग ने इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ उपाय करने शुरू किए तो कार्यपालिका से टकराव की एक स्थिति पैदा हो गई कार्यपालिका से ये जो टकराव की स्थिति है उसके साथ जो शेषण प्रभाव शब्द है वह भी विशेष रूप से जुड़ा हुआ है टी एन सेशन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे दिसंबर उन्नीस में चंद्रशेखर की सरकार के द्वारा इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया टी एन सेशन आ, इसलिए एक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में या निर्वाचन आयोग के एक बहुत ही ऐतिहासिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने निर्वाचन आयोग की शक्तियों का सख्ती के साथ प्रयोग करना शुरू किया इन्होंने यह दर्शाना शुरू किया कि कैसे निर्वाचन आयोग की जो शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग करके राजनीतिक दलों के मनमाने आचरण को रोका जा सकता है कैसे चुनावों की पूरी व्यवस्था को ज़्यादा साफ़ और पारदर्शी बनाया जा सकता है कैसे चुनाव में होने हो, होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं और टी एन ने इस सभी तरीके के कामों को करने का प्रयास किया उन्होंने निर्वाचन आयोग की शक्तियों का शक्ति से इस्तेमाल करना प्रारंभ किया उनके द्वारा किए गए बदलावों के कारण चुनाव प्रक्रिया में जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा उसे शेषण प्रभाव के रूप में जाना गया उन्होंने बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए और इस संदर्भ में आ, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अगर हिंसा की कोई भी संभावना है तो बहुत छोटे छोटे भागों में बांट कर चुनाव कराया जाए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था हो और आ, ऐसी व्यवस्था के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि और यह उन्होंने प्रयास किया कि मतदाताओं को पहचान पत्र दिलाया जाना चाहिए और यह पहचान पत्र दिलाने से पहले आमतौर पर मतदाताओं का नाम होता था और उन्हें कोई दूसरा पहचान पत्र दिखाने के लिए कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ ले जाया वो ले के जाते थे जिसमें कि आमतौर पर राशन कार्ड जैसी चीज़ें भी शामिल होती थी तो इससे बहुत ज़्यादा संभावना होती थी कि, कि किसी एक मतदाता के बदले कोई दूसरा मतदाता आकर वोट डाल जाए तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए उन्होंने मतदाताओं को पहचान पत्र दिलाने की योजना भी शुरू की और उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य का कोई चुनाव बिना मतदाता पहचान पत्र के नहीं होगा और बिहार में एक तरीके के संवैधानिक संकट की स्थिति भी इसके कारण से पैदा हो गई थी जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद एक तरीके से खत्म किया गया और लेकिन उससे पहले जब ये बहुत धड़ल्ले से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे टी एन सेशन तो कार्यपालिका में एक तरह की खलबली मच गई और लोगों को यह लगा कि यह जो पूरा काम टी एन सेशन कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक मनमानी से भरा हुआ है और इसको नियंत्रित करने की जरूरत है तो उन्नीस में नरसिम्हा राव की सरकार ने यह फैसला किया कि इनके साथ दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया जाएगा एक एम एस गिल और दूसरी जी वी एस कृष्णमूर्ति और यह कहा गया कि ये जो निर्वाचन आयुक्त होंगे इनकी शक्तियां मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होंगी और अगर निर्वाचन आयोग को कोई फैसला करना है तो वो बहुमत से फैसला होगा यानी कि शक्तियों के आधार पर तीनों निर्वाचन आयुक्तों की स्थिति बराबर कर दी गई टी सेशन इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में गए सर्वोच्च न्यायालय ने उन्नीस सौ में पाँच जीरो से इस मुकदमे में निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि आ, जो अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का फैसला है वह काफ़ी हद तक वैध है और उसने यह कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सामान्य प्रथम के रूप में है और दन, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त उसके बहुत सारे फैसलों को पलट सकते हैं आ, तो इस लिहाज से शेषण की शक्तियों को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया गया आ, और आ, एक तरीके से आ, यह कहा जा सकता है कि सेशन के काम में एक तरीके का मनमानापन जैसा कुछ तो नहीं कह सकते हैं लेकिन शक्तियों का ज़्यादा खुलकर उपयोग करने से अन्य कई तत्वों के संतुलन को भंग करने की स्थिति थी यानी कि जब वो बिहार के चुनाव के समय यह कहते हैं कि जब तक पूरा पहचान पत्र हर किसी को नहीं मिल जाएगा तब तक चुनाव नहीं किया जाएगा तो यह एक ऐसी स्थिति थी जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर रही थी तो बाद में इसका समाधान यह निकला कि जो चुनावी पहचान पत्र का पूरा कार्यक्रम है वो सही है और उसे लागू किया जाना चाहिए लेकिन इसके कारण से अभी चुनाव बाधित नहीं की जानी चाहिए चुनाव को रोका नहीं जाना चाहिए तो इस लिहाज से जो सेशन हैं उनके काम की कुछ सीमाओं की तरफ भी हम इशारा कर सकते हैं लेकिन जो मुख्य बात है वह यह कि अभी तक जो निर्वाचन आयुक्त का पद या निर्वाचन आयोग की संस्था आम तौर पर काफ़ी एक आ, ऐसी संस्था मानी जाती थी जिसके साथ कोई बहुत गहरा विवाद नहीं जुड़ा था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे वो एकदम से एक ऐसी संस्था के रूप में उभर कर सामने आई जिसकी आम तौर पर मतदाता जानने लगे लोग उसके बारे में बातचीत करने लगे और उसकी एक सकारात्मक छाप लोगों के बीच में पड़ी कि यह एक ऐसी संस्था है जो दलों के भ्रष्टाचार दलों के मनमानेपन से आगे बढ़ते हुए आ, एक साफ़ चुनावी व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है तीन सेशन एक अन्य महत्वपूर्ण काम भी किया उन्होंने दलों से यह कहा कि वे अगर, अगर अपने संविधान का पालन नहीं करेंगे तो उनकी मान्यता खत्म हो जाएगी इसका अर्थ यह था कि जो अधिकांश राजनीतिक दल थे वो लोकतंत्र के भीतर काम करने वाले दल थे और इन दलों ने अपने संविधान के भीतर खुद को लोकतांत्रिक दल के रूप में ही प्रस्तुत किया था लोकतांत्रिक दल होने का अर्थ यह था कि इनके भीतर भी समय समय पर आंतरिक चुनाव हों लेकिन स्थिति यह थी कि अधिकांश जो दल थे उनके भीतर आंतरिक चुनाव नहीं होता था मनोनयन से काम चलता था कई बार जो मनोनीत अध्यक्ष होते थे वो भी उस प्रक्रिया को सही तरीके से आ, उसका पालन नहीं करते थे तो इन सभी स्थितियों के कारण आ, जो लोकतंत्र के भीतर दल थे वो खुद अलोकतांत्रिक रूप में थे तो निर्वाचन आयुक्त आयुक्त के रूप में टीएन सेशन ने यह कहा कि वे जो राजनीतिक दल हैं वो अपने संविधान का सही तरीके से पालन करें और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता खत्म की जा सकती है लेकिन बाद में जब मनोहर सिंह गिल चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि यह एक अलग तरीके के संवैधानिक संकट का स्रोत बन सकता था और इसके अलावा यह भी हुआ कि अधिकांश दलों ने चुनाव आयुक्त के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन के द्वारा इस पर जोर दिए जाने के बाद धीरे धीरे इस चीज़ को अपनी आदत में शुमार कर लिया कि एक समय के बाद दल के भीतर चुनाव हो नए अध्यक्ष और नए पदाधिकारी चुने जाएं और अगर नए नहीं भी चुने जाते हैं तो चुनाव के माध्यम से जो पुराने लोग हैं वो कायम रहें बजाय इसके कि सिर्फ जो पुरानी प्रथा थी वो चलती रहे या तो मनोनयन की या एक व्यक्ति अगर किसी पद पर बैठा है तो वो काल तक उस पद पर बैठा रहे तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव जो टीएन सेशन के द्वारा छोड़ा गया वह था और इसने निर्वाचन आयोग के काम पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डाले इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने कई अन्य कदम उठाए अपने स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मतदाताओं को बड़ी संख्या में चुनाव में सम्मिलित करने के लिए अब यहाँ पर मतदाता पंजीकरण का जो उसका एक काम था वह काफ़ी महत्वपूर्ण काम के रूप में उभर कर सामने आया चुनाव आयोग ने सिर्फ मतदाताओं पर यह जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है कि वे अपना पंजीकरण कराएं कर बल्कि उसने यह सकारात्मक जिम्मेदारी ली है कि हर मतदाता का पंजीकरण हो और इस संदर्भ में राजनीति शास्त्री अनुपमा रॉय यह तर्क देती हैं कि उन्नीस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि वह मतदाता सूची में सही संशोधन को सुनिश्चित करे यानी कि वह मतलब निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में सही संशोधन को सुनिश्चित करे और इस तरह निर्वाचन आयोग के पास यह तय करने की शक्ति आ गई कि जो व्यक्ति मतदाता बनने के लिए दावा कर रहा है वह वा वास्तव में नागरिक है या नहीं तो नागरिकता तय करने का जो एक काम है वह भी काफ़ी हद तक आ, निर्वाचन आयोग के पास सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से आ गया निर्वाचन आयोग ने यह प्रयास भी किया है कि जो चुनाव में अगम्भीर नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं नॉन सीरियस उम्मीदवार होते हैं उन्हें चुनाव लड़ने से हतोत्साहित किया जाए तो उन्नीस में जमानत की राशि को पाँच से बढ़ाकर दस कर दिया गया और राजनीति का अपराधिकरण एक बड़ा मुद्दा है जिससे जूझने के लिए निर्वाचन आयोग को काफ़ी हद तक सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों से भी सहायता मिली है 2003 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया इसके अनुसार निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनावों में सभी उम्मीदवारों से एक न्यायिक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कह सकता है जिसमें उन्हें अपने आपराधिक शैक्षणिक और वित्तीय रिकॉर्ड के बारे में बताना होता है और निर्वाचन आयोग ने इस तरह की प्रक्रिया शुरू भी की कर दी है और उसके बाद जितने भी चुनाव होते हैं जितने भी उम्मीदवार होते हैं उन चुनावों में उन सभी उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र देना होता है और इस शपथ पत्र के माध्यम से वे यह बताते हैं कि जो उनके खिलाफ आरोप लगे हैं वो क्या हैं क्या उन उनके ऊपर कोई वित्तीय गबन का मामला है या फिर उनकी कुल संपत्ति कितनी है अब इसके आधार पर कई बार मीडिया के जो लोग होते हैं वो और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं यानी कि अगर एक उम्मीदवार की आज के दौर में संपत्ति पाँच करोड़ है और वो तीन साल पहले पचास लाख थी तो वो इस खबर को प्रकाशित करते हैं और क्योंकि वो दो चुनावों के बीच में उस उम्मीदवार की स्थिति को तुलनात्मक रूप से देख पाते हैं तो इससे मतदाताओं को जो उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति के बारे में पता चलता है मिसाल के तौर पर अगर मतदाताओं को यह सूचना मिलती है कि उसका जो उम्मीदवार है उसने पिछले पाँच वर्षों में दस करोड़ रुपए ज़्यादा कमा लिए या पचास करोड़ रुपए ज़्यादा कमा लिए तो वो यह प्रश्न कर सकता है या वह यह सोच सकता है कि उसका जो उम्मीदवार है जो कि वहाँ से सांसद रहा था उसने क्या सही मायनों में सही स्रोतों से कमाई की है या भ्रष्टाचार किया है तो ये एक तरीके से <coughs> उम्मीदवार को पूरी तरीके से मतदाताओं के सामने लाने वाला कदम साबित हुआ है उसी तरीके से अब यह प्रावधान भी हो गया है कि अगर किसी को तीन साल तक की सज़ा मिल चुकी है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है और उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी मिसाल के तौर पर लालू प्रसाद यादव की सदस्यता इसी आधार पर खत्म हुई जब उन्हें चारा घोटाले के मामले में सज़ा मिली और अब यह स्थिति भी है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं आ, मैंने दलों के नियमन के बारे में पीछे विस्तार से चर्चा की है और उसमें बताया है कि किस तरीके से टी सेशन ने दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को स्थापित करने पर जोर दिया और उस संदर्भ में बस एक ही महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखने की ज़रूरत है कि आरंभ में टी सेशन ने यह कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो दलों की जो आ, उनका उनकी जो मान्यता है वो रद्द हो जाएगी लेकिन बाद में जब मनोहर सिंह गिल मुख्य चुनाव आयुक्त बने और दूसरे कई लोग चुनाव आयुक्त बने तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि दलों की मान्यता खत्म करना जो है वो एक बहुत गंभीर बात है और इसलिए वो इस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़े और मैंने पहले इस बात का उल्लेख किया कि बाद में खुद राजनीतिक दल भी काफ़ी हद तक इस बात का अनुसरण करने लगे कि वे अपने भीतर नाम के लिए ही सही दिखावे के लिए ही सही पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जारी रखें अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है यहाँ पर चुनाव संचालन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भूमिका के बारे में चुनाव आचार संहिता एक स्वैच्छिक आचार संहिता है जिसे सभी दलों ने स्वीकार किया सबसे पहले नागरिक समाज के कुछ सदस्यों ने 1960 के दशक में इसे केरल में अपनाया था और 1960 के दशक में चुनाव आयोग ने ही इसे पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में अपनाना आरंभ कर दिया बदलती हुई परिस्थितियों के साथ इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी एक आ, कानून के रूप में स्थापित नहीं हुआ तो इसकी जो शुरुआत हुई वो इस लिहाज से ही हुई कि एक लोकतांत्रिक चुनाव है इस लोकतांत्रिक चुनाव में सभी लोग उम्मीदवार हैं तो उम्मीदवारों को कुछ खास तरीके से व्यवहार करना चाहिए उन्हें कुछ खास तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए और इसी लिहाज से यही जो एक समझ है वो बुनियादी रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आधार बनी और इसकी आ, इसकी जो बुनियादी ताकत रही है वो यह रही है कि सभी राजनीतिक दलों ने इस पर सहमति जताई है उन्नीस में जाकर जो केंद्र स्तर पर चुनाव हो रहे थे उनमें सभी दलों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरह अपनाया और आगे के चुनाव में इसे लगातार स्वीकार किया गया 1990 के दशक तक यह नियमों का एक ऐसा समूह था जिसे चुनाव आयोग ने सिर्फ मानक के रूप में सामने रखा और कभी इसका सक्रियता से प्रयोग नहीं किया लेकिन 1990 के दशक में बदली हुई परिस्थितियों में इसका ज़्यादा उपयोग होने लगा मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन सेसन के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त जो और लोग बने खासतौर पर मनोहर सिंह गिल उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए चुनाव के समय अधिकारियों के तबादले की रणनीति अपनाई अधिकारियों के तबादले की रणनीति का तात्पर्य यह है कि जो एक अधिकारी अगर एक ही समय पर काफ़ी समय से है तो यह आशंका जताई जाती थी कि वह उस राज्य के सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम करेगा इसलिए ऐसे अधिकारियों का तबादला कर दिया गया जो कि तीन या चार साल से ज़्यादा समय से एक स्थान पर थे और यह रणनीति अपनाई गई कि नए अधिकारियों को उस क्षेत्र में लाया जाए जिससे कि मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की उनका उनका जो सामर्थ्य है वो कम हो सके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसमें कई तरह की बातें सम्मिलित हैं जिसमें कि धर्म जाति लिंग इसके आधार पर लोगों को बाँट कर या भड़काऊ भाषण देकर वोट न मांगने की बात कही गई है इसमें यह कहा गया है कि मतदाताओं को लालच देकर उनका वोट लेने की कोशिश नहीं की जाएगी और किसी तरीके से डराने धमकाने से की भी कोशिश नहीं की जाएगी और जो तय मानक है जो तय राशि है तय मानक राशि है उसके भीतर ही सारे उम्मीदवार अपना खर्च करेंगे और इसी तरीके की कई अन्य चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई हैं और ये आ, जो सारी चीज़ें हैं वे चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों इसके लिए ज़रूरी हैं अब यहाँ पर एक सवाल यह भी रहता है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो बड़ा प्रभाव होता है वह यह होता है कि जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देता है यानी उसकी अधिसूचना जारी कर देता है उस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है कई बार यह कहा जाता है कि जब चुनाव आयोग सीधे तौर पर डेट घोषित ना करे पर चुनाव की घोषणा कर दे उस दिन से भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाना चाहिए लेकिन ज़्यादा लोगों की सहमति इसी बात पर है कि चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद यानी कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद उसका नोटिफिकेशन होने के बाद ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाए तो जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो चुनाव में एक बराबर का मैदान देने के लिए चुनाव आयोग यह कोशिश करता है कि उस कोशिश या उसमें वो एक निर्देश जारी करता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कोई भी सरकार कोई महत्वपूर्ण लोक लुभावन फैसला लागू नहीं कर सकती है जो रोज़मर्रा के सरकार चलाने वाले फैसले हैं वो तो लिए जा सकते हैं लेकिन ऐसा फैसला नहीं लिया जा सकता है जिससे मतदाताओं को आकर्षित किया जाए लेकिन इसमें बहुत तरह की लाभ लेने की कोशिश जो सरकारें हैं वो करती हैं और अगर आप चुनावी प्रक्रिया पर ध्यान दें तो अधिकांश सत्तारूढ़ दल चाहे वो कोई भी हो किसी भी दल की सरकार हो केंद्र में या राज्य में जब चुनावों की तारीख नज़दीक आती है तो चुनावी अधिसूचना जारी होने के कुछ समय पहले वे ताबड़तोड़ कई कर घोषणाएं करते हैं और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे जनता के या मतदाताओं के हित रक्षक हैं तो ये वो एक फ़ायदा लेने की कोशिश जरूर करते हैं अपने सत्तारूढ़ होने से ये तो एक बात है हाल में संपन्न हुए दिल्ली के चुनाव में हम इसको देख सकते हैं दूसरी एक स्थिति यह भी सामने आती है सरकारों की तरफ से कि अगर कोई पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है और दूसरी पार्टी जो है आ, दूसरे स्थान पर चुनाव हो रहा है तो वो सीधे तौर पर ऐसा फैसला नहीं लेती है जो सिर्फ उस राज्य से संबंधित हो क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा लेकिन वो ऐसे फैसले जरूर ले सक लेती है और ले सकती है जो पूरे देश के लिए है तो ऐसी स्थिति में उसे यह उम्मीद होती है कि इसका भी कुछ लाभ उन राज्यों को मिलेगा यहाँ मैं मुख्य रूप से इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघन की भी कोशिशें अधिकांश राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती हैं और आप पीछे के कितने भी चुनाव पर विचार करें आप ये पाएंगे कि बहुत सारे जो उम्मीदवार होते हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं वे ऐसे भाषण देते हैं जैसे धर्म के आधार पर लोगों के बीच में गुलबंदी हो जाति के आधार पर लोगों के बीच में गुलबंदी हो और यह भी सच है यह हकीकत है और हम सब इस चीज़ से वाकिफ हैं कि बहुत सारे स्थानों पर चुनाव के एक दिन पहले पैसे बांटे जाते हैं शराब बांटी जाती है लोगों को कई तरीके का लालच दिया जाता है तो एक तरीके से ये वोट की खरीद फरोख्ती हो गई तो ये सारी चीज़ें चलती हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है आ, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आई हैं जहाँ पर कि लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए एक तरीके का हेट स्पीच दिया और इसके माध्यम से कोशिश की कि चुनाव धर्म के आधार पर हो और मतदाता धर्म के आधार पर ध्रुवीकृत होकर वोट डालें तो ऐसी स्थिति में यह सवाल सामने आता है कि आ, किस तरीके की शक्ति मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा निर्वाचन आयोग को प्राप्त है जो एक महत्वपूर्ण बात हमें याद रखने की ज़रूरत है वह यह कि शुरुआत में मैंने यह कहा था और यह हकीकत भी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो नागरिक समाज के समूहों के द्वारा शुरू किया गया बाद में राजनीतिक दलों में सहमति बनी कि भाई चुनाव के समय इन इन चीज़ों का पालन होना चाहिए लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है वह यह कि अदालतों ने उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने अपने, अपने कई आदेशों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अस्तित्व को स्वीकार किया है तो इस लिहाज से अब इसके पीछे एक अदालत के निर्णय की शक्ति भी मौजूद है और उसके माध्यम से जो चुनाव आयोग है वह शक्ति से काम कर सकता है लेकिन आम तौर पर यह देखने में आया है और इसे हम निर्वाचन आयोग की एक चुनौती और चुनाव सुधारों के लिए एक चुनौती भी मान सकते हैं कि आमतौर पर जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की को लागू करने की बात आती है और इसे मैंने इसके चौथे सीमा के रूप में स्लाइड में नोट किया है तो वहाँ पर चुनाव आयोग बहुत ही प्रभावकारी तरीके से काम नहीं कर पाता है चुनाव आयोग अमूमन यह कहता है कि दो दिन के लिए किसी के प्रचार पर प्रतिबंध लगे और उसमें फिर होता यह है कि वह जो आ, चुनाव प्रचार करने वाला नेता होता है वह टीवी के माध्यम से या दूसरे कई अन्य प्रचार साधनों के माध्यम से लोगों के घरों में दिखता रहता है तो ये कोई बहुत ही सख्त कदम चुनाव आयोग अभी तक इस पर नहीं उठा पाया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही तरीके से लागू करने के लिए हम चुनाव सुधार की और चुनौतियों पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है लेकिन यह पहली चुनौती है जहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और इसके साथ कई अन्य चीज़ें जुड़ी हुई हैं मिसाल के तौर पर हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पैसे का प्रयोग होता है चुनाव में वोट की खरीद होती है उसको कैसे उसका कैसे नियमन किया जाए इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देने की ज़रूरत है लेकिन यह एक ऐसी स्थिति है जो दिल्ली जैसे शहर में भी मौजूद है हम छोटे छोटे जो देश के अंदरूनी हिस्से हों उसके बारे में तो कल्पना ही कर सकते हैं तो इससे कैसे सख्ती से निपटा जाए ये एक ऐसी आ, एक ऐसा विषय है जिस पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है तो आ, ये इसके अलावा कई और चुनौतियां हैं लेकिन उसके पर उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि जो चुनावों के भीतर पैसे के उपयोग की सीमा है वह कई बार आ, सही तरीके से उस पर नज़र नहीं रखी जाती है और जो उम्मीदवार होते हैं जिनके पास ज़्यादा संसाधन होते हैं वो ज़्यादा पैसे को खर्च कर देते हैं और इसका लाभ भी उन्हें मिलता है तो किस तरीके से चुनाव में पैसे के प्रभाव को नियंत्रित किया जाए इस संदर्भ में चुनाव आ, सुधार करने की आवश्यकता है कई दल जो होते हैं चूँकि उनके पास ज़्यादा संसाधन होते हैं तो उम्मीदवार तो उनके ज़्यादा फैसले पैसा खर्च करते ही हैं संचार माध्यमों से टीवी से आ, और अखबारों से वो लोगों के जहन में ज़्यादा तेज़ी से पहुंचने की कोशिश करते हैं और निश्चित रूप से इन सब में पैसा खर्च होता है तो चुनावों में जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं जिसे बुरे साधनों से अन अकाउंटेड मनी के रूप में हम जानते हैं उनके खर्च पर नियंत्रण लगाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए और इसके अलावा जो अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार हैं आ या जो भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे उम्मीदवार हैं क्या उनकी उम्मीदवारी पर कोई सीमा लगाई जा सकती है क्या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा सकती है जिससे इस तरीके के उम्मीदवार जनता के सामने एक उम्मीदवार के रूप में ना आ पाए या फिर इनके प्रभावों को कम करने के लिए क्या कोई कदम उठाया जा सकता है यह भी एक ऐसा मसला है जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और चुनाव आयोग की एक सीमा मैं यह मानूंगा कि वह पैसे के अत्यधिक उपयोग को रोकने के संदर्भ में या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही तरीके से लागू करने के संदर्भ में आ बहुत ही सख्ती से काम नहीं कर पाया है इसके अलावा इसकी एक और सीमा है और वह यह है कि इसकी अति सक्रियता जो है वह कई बार समस्याओं को पैदा करती है टी एन के दौर की हमने काफ़ी तारीफ की पर उस दौर में एक तरह की, की अति सक्रियता टीन सेशन के कामों में दिखती थी यह भी कहा जा सकता है कि कुछ हद तक पॉपुलिज्म भी उनके कामों को प्रभावित कर रहा था क्योंकि वो मीडिया में एक स्टार के रूप में प्रचारित किए जाने लगे थे आ, ऐसी स्थिति कभी कभार ही आती है पर वो स्थिति भी आई है दूसरा ये कि जो एक तरह का संघर्ष आंतरिक संघर्ष निर्वाचन आयोग में हुआ है वह भी एक काफ़ी बुरा प्रभाव छोड़ता है निर्वाचन आयोग की इमेज पर दो दस के आसपास जब नवीन चावला मुख्य निर्वाचन एक निर्वाचन आयुक्त थे तो उन्हें हटाने आ, का आ, एक जो पूरा गोपाल स्वामी गोपाला स्वामी जो दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उन्होंने उन्हें हटाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज दिया था हालांकि राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार नहीं किया और हमेशा यह आरोप भी कई निर्वाचन आयुक्तों पर लगता है कि वे उस समय की सरकार से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं और कई बार यह जो आरोप होता है वह ठोस प्रमाणों के साथ भी सामने आता है तो आ, और मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही होती हैं तो इससे निर्वाचन आयोग की छवि को भी धक्का लगा है वह निर्वाचन आयोग जिसने कि हमेशा ही निष्पक्षता से अपना काम किया है और उन्नीस के दशक में इसकी छवि काफ़ी ऊंची चली गई थी तो ये जो आंतरिक संघर्ष है आ, उस पर भी नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता है आ, मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग का जो पूरा काम है वह काफ़ी जटिल है और उस काम को आ, उस काम की जटिलता के साथ साथ यह भी है कि वह लोकतंत्र का बुनियादी आधार है और उस संदर्भ में आ, निर्वाचन आयोग की चुनौतियां भी काफ़ी बड़ी हैं मतदान के पूरे काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पद्धति शुरू की इस 2000 के बाद के दौर में 2003 से और उसके बाद पूरे देश के चुनाव में ई का उपयोग किया जाने लगा इससे यह सुविधा ज़रूर हुई है कि बहुत जल्दी मतदाता मतदान के बाद चुनाव का जब वोटों की जब गणना होती है तो उसमें ज़्यादा समय खर्च नहीं होता है लेकिन ई के प्रयोग पर भी कई तरीके के संदेह बहुत सारे संगठनों के द्वारा जताए जाते रहे हैं और इसके प्रयोग पर बहुत सारे देशों ने खुद रोक लगाई है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी उसका एक उदाहरण है और ये सारे देश अब जो है वो बैलेट पेपर की ओर वापस गए हैं तो इस पर भी एक खुले रूप से चर्चा किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि 2009 में भी जो विपक्षी दल थे जो चुनाव हारे थे उन्होंने इस तरह के मुद्दे को उठाए थे और बाद में 2019 में भी और उसके पहले भी कई राज्यों के चुनाव में इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते रहे हालांकि इन मुद्दों की इस तरीके के आरोपों की वैधता पर भी काफ़ी संदेह है लेकिन निर्वाचन आयोग का काम यह है कि वो चुनाव की पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संदेह को पूरी तरीके से दूर करें और यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती भी है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए अद्भुत काम किया है इसने यह कोशिश की है कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र तक पहुँचें उनके पास अपना पहचान पत्र हो और वे अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें लोकतंत्र को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत पहल मानी जा सकती है निर्वाचन आयोग की चुनौतियां जैसे हमने अपनी चर्चा में देखा लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि दलों की संख्या उम्मीदवारों की संख्या लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की जो गतिशीलता है वह तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन अ, मैं अपनी इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष के तौर पर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि अगर हम एक बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे पास जो चुनाव पद्धति है या चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसे सही तरीके से संचालित करने की विधि और उसे सही तरीके से संचालित करने वाले संस्था के का होना आवश्यक है अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनावी प्रक्रिया से लोगों का भरोसा उठ जाएगा और ऐसा होने पर यह लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक होगा और इसलिए यह जरूरत है कि हम निर्वाचन आयोग की जो चुनौतियां हैं उनको समझें और निर्वाचन आयोग के बाहर भी इस बात के लिए प्रयास किया जाए नागरिक समाज के संगठन खुद संसद भी इस बात के लिए प्रयास करे कि किस तरीके से चुनाव की पूरी प्रक्रिया से धनबल अपराधिकरण और जो एक भड़काऊ भाषण देकर ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति है उसको नियंत्रित किया जाए निश्चित रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्वाचन आयोग को शक्तियाँ देता है लेकिन वो उसे कैसे प्रभावकारी तरीके से उपयोग में लाए इसके लिए भी निर्वाचन आयोग के भीतर और निर्वाचन आयोग के बाहर सिविल सोसाइटी के संगठनों के बीच गहराई से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है उसके काम काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनौती भरे हैं और हम सब चुनाव सुधारों की एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं क्योंकि चुनाव में अगर धनबल के आधार पर निर्णय होता रहेगा या और ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ेगा तो लोकतंत्र के लिए यह अत्यंत घातक साबित होगा मुझे ये उम्मीद है कि चुनाव आयोग की इस पूरी चर्चा से आप चुनाव आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और इसके व्यवहार के दौरान विभिन्न चरणों में इसकी गतिविधियों के बारे में एक समझ बना पाए होंगे आपको यह समझ में भी आया होगा कि चुनाव सुधारों का क्या तात्पर्य है और इस संदर्भ में किस तरह की चुनौतियां हैं और मुझे ये उम्मीद है कि आप अन्य स्रोतों से पढ़ते हुए इन सारे विषयों की और गहरी समझ बनाएंगे आ, मैं चुनाव आयोग के बारे में अपनी इस चर्चा को यहीं रोकूँगा अगले अंक में हम मिलेंगे और एक नए विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे नमस्कार Of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier.